जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको। जी आपको भी, आपको भी। और हम आशा करते हैं कि इस नए साल में आपका स्वास्थ्य और बेहतर होगा। हाँ जी जी सर बिल्कुल, आप भी सेम टू सर। जी क्या क्या अच्छा हुआ आपकी सीबोरिक डर्मेटाइटिस में? सर अब तो काफी फर्क है, जैसे सिर में भी अब जैसे काफी दिन दवाई लगानी पड़ती थी, अब कम है ये चीज दवाई लगानी। अच्छा, और बॉडी पे भी ठीक है। हाँ ठीक है। जैसे बीच में कई बार पहले ज्यादा हो जाता था बीच में, अब वो उतनी तेजी से नहीं होता, कम होता है। अच्छा, जैसे बीच में हो गया कभी। आपको शेविंग के बाद पूरा चेहरा वगैरह लाल हो जाता था पहले, वो सब चीजें कैसी रही अब? हाँ जी पहले यानी हो जाता है, अब दवाई जैसे अब भी है, देखो थोड़ा थोड़ा लाल है, पर ये होता है 15-20 दिन में कभी कभी या 10 दिन में एक बार हो गया लाल। तो हाँ जी वो थोड़ी दवाई लगा लेता हूँ, ठीक हो जाता है। कभी कभी दवाई नहीं भी लगाओ तब भी ठीक हो जाता है। कौन सी दवाई लगाते हैं आप? ये मोमेटासोन है जी। ये सब नहीं लगाना है, ये स्टेरॉइड है, आपके शरीर को नुकसान पहुंचा देंगे, ऐसा मत लगाया करिए। हाँ जी फिर अच्छा, तो फिर कुछ लगाने की जरूरत नहीं है जी? कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, आप तो जब बिना लगाए ठीक हो रहे हैं तो क्या जरूरत है लगाने की आपको फालतू चीज? ठीक है जी कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल बंद कर देता हूँ इसको, कुछ मत लगाइए। हाँ हमारे इलाज के दौरान हम इस तरह की चीजें अलाउ नहीं करते यूजुअली। ठीक है। हाँ जी ठीक है जी। हाँ जी ठीक है जी। आपका और क्या प्रॉब्लम था? आपको एटोपिक डर्मेटाइटिस, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा था, वो कैसा है? बीपी तो अभी भी थोड़ा ज्यादा रहता है डॉक्टर साहब। अच्छा कितना है आपका बीपी अभी? जैसे 140 और 100 रहता है जी। अच्छा ठीक है। ये आपने जो हमको पहली बार बताया था कि आपकी ये सीबोरिक डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम 2014 से बनी हुई है ना? हाँ जी हाँ ठीक है। और आपका जो ट्रीटमेंट यहाँ से चला है ये? नहीं डॉक्टर साहब 2014 से भी पहले की है जी। अच्छा कब की है ये? ये 2003-04 की है जी। 2003-04 की। अच्छा, इस बीमारी के बारे में आप डॉक्टर्स को उसके बाद बॉडी लेते हैं? हाँ जी आप जब इस बीमारी के बारे में डॉक्टर्स को दिखाते थे तो इसका इलाज क्या बताते थे वो? एक तो वो कोई एलर्जी की गोली दे देते जी, लिवोसिटरजिन दे देते थे ताकि खारिश ना हो। हाँ। एक कोई शैम्पू दे देते थे। अच्छा पर वो शैम्पू भी लगाने से ना जी कभी ठीक नहीं हुआ। शैम्पू लगा के भी ना जी कंघी से खुर्च के निकालनी पड़ती थी जो सिर में सिकरी है। तो बहुत अच्छा है आपका 2003-04 का प्रॉब्लम, और अभी हमारे पास ट्रीटमेंट आपका 16 सितंबर से चला, करीब 3 महीने हो गया। तो अगर 2017 साल की प्रॉब्लम अगर 3 महीने में जा रही है तो इससे फास्ट तो कोई मेडिसिन नहीं हो सकती है ना? नहीं हो सकती जी, नहीं हो सकती। मेरे को किसी भी दवाई से आराम नहीं आया, सिर्फ आपकी दवाई से आराम आया, वो भी दवाई बिना लिए। हाँ शुरुआत में मैं जब आपको बताया था कि हम बाल से इलाज करेंगे तो बड़ा आपको समझने में जी, अभी भी मैं जैसे किसी को बताता ना जी वो अचंबा करता है, कहता है ऐसा हो सकता है, मगर वो मेरे साथ हुआ है ऐसा, मगर मैंने देखा है। जी। आप शाहबाद से है ना? हाँ जी हरियाणा से जी। हरियाणा साहब देखिए मैं लखनऊ में बैठा हूँ, आपका बाल लखनऊ में लगा है और आप हरियाणा में आपका इलाज वहां से हो रहा है, और वो भी 17 साल पुरानी बीमारी का इलाज 3 महीने में हो रहा है। लोगों को बताइए ऐसा भी होता है? हाँ जी मैंने सबको, मैं बात करता हूँ जी अपने दोस्तों से बात करता हूँ, परिवार से बात करता हूँ, वो कोई विश्वास करता ही नहीं, मगर मैंने खुद मैंने अपने ऊपर देखा है होते हुए। जी। चलिए बहुत अच्छी बात, ठीक है आगे कंटिन्यू रहेगा। फिर बीच में हमको बता दिया करिए अपना हाल। ठीक है सर। ठीक है जी। ठीक है डॉक्टर साहब।